बस आप सब कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे रमज़ान के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी फालूदा। तो उसके लिए मैंने 2 कप पानी लिया है और 1/2 कप है कॉर्नफ्लावर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको इधर ही मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहे। अच्छी तरह मिक्स करें। तकरीबन 2 चम्मच चीनी ताकि हमारी सेवइयां थोड़ी मीठी बने। अब इस शेप में आ गया बिल्कुल पानी की तरह, तो इसको पकाते हैं। अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है कॉर्नफ्लावर को पानी में, कोई गुठली वगैरह नहीं है, आप देख सकते हैं। फ्लेम को मैंने अभी ऑन किया है। अच्छी तरह हिलाते रहें ताकि कोई गुठली वगैरह ना बने। आप देख सकते हैं थोड़े से इसमें बबल वगैरह ये जो है ना इस शेप में आ रहा है, तो फ्लेम को स्लो कर दें। चम्मच को तेज तेज से फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। तकरीबन 2 मिनट तक मैंने इसको पकाया है, आप देख सकते हैं। चम्मच आपने हिलाने छोड़नी नहीं है जब तक थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, तो फिर इसकी सेवइयां बनाते हैं। बिल्कुल इस शेप में हो, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा नजर आ रहा है आपको, इस तरह हो तो फ्लेम को ऑफ कर दें और चम्मच हिलाते रहें। अब इस तरह हो गया है, मैं थोड़ा सा इसको और पकाऊंगी ताकि कॉर्नफ्लावर कच्चा ना रहे। फ्लेम को आस्ता कर दें। देखिए व्यूअर्स, सारा मैंने अमेजा इसमें ऐड कर दिया है, नोजल में छोटी सी नोजल लगी हुई है। इसको अच्छी तरह टाइट करते हैं, ये गरम गरम आपको करना है। ये मैंने बर्फ डाली है इसमें, बर्फ डाल के आपने राम राम से मैंने इसमें बना लिए। आप इसको फ्रिज में रख देंगे, थोड़ा सा ठंडा होगा तो फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, हमने सेवइयां बनाकर फ्रिज में तकरीबन 20 मिनट के लिए रखी हैं, तो ये बिल्कुल इस तरह हो गई हैं, आप देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी है। और ये जो तुख मलंगा हमने भगो के रखा था, ये भी अच्छी तरह फूल गया है। बस जैली है, ये भी मैंने बनाई है। तकरीबन 1.5 कप पानी डाल के मेरे पास स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था, वो मैंने बनाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डालूंगी। ये मेरे पास जामे शीरी है, आप रूह अफ़ज़ा भी डाल सकते हैं। तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है। अब इसके बाद तुख मलंगा, चार चम्मच अब मैं इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी जेली ऐड करूंगी।
आप चाहे तो आइसक्रीम भी डाल सकते हैं इसमें, और जो ड्राई फ्रूट हो आपके पास अवेलेबल। तो यह मैं डाल रही हूँ फलूदा की थोड़ी थोड़ी सी जेली में और ऐड करूंगी। कलरफुल अच्छी लगती है चीजें। अब बिल्कुल ठंडा दूध है, आराम से इनको मिक्स करें। ये जो मेरे पास बकाया बचे थे उनको मैं सेव कर लूँगी। आप 8 से 10 दिन फ्रिज में रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के जार में मैंने उसको सेव कर लूँगी। आप जब भी दिल चाहे रमज़ान में तो बना सकते हैं। हमने बहुत ही इजी तरीके से होममेड फलूदा बनाया है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।